ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी तो अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के गोपालगंज में अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने जनता दल यूनाइटेड को 17 सीटें दिलवाई थी और यह भी तय हुआ था कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया जाएगा। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास साथी रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि हालांकि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद जेडीयू नेता ने प्लान बदल लिया। जरा वीडियो देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं। एक बार नहीं, इस आदमी ने तीन तीन बार ठगा है। पहले 2015 में छोड़कर भागे, आप में से जो जिन लोगों को याद होगा 2019 लोकसभा से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगा के 2 MP के जदयू को 17 MP का सीट दिलवा दिया, भाजपा को बिना लड़े हुए 30 से घटा के 17 कर दिया। ये तय हुआ था कि लोकसभा के बाद हम लोग उसको छोड़ेंगे। ये आदमी जब मोदी जी जीत के आ गया तो हम ही को समझा रहा है कि अभी तो अभी लग रहा है कि मोदी का हवा है, अभी रुकिए ना थोड़ा दिन और रुका जाए इसी में। दूसरा धोखा किया, हम उनके पार्टी में तब दूसरे नंबर पर थे, हम ही ना चला रहे थे, तो हम ही को समझा रहा है कि नहीं भाई अभी मोदी का बहुत लहर है, मत अभी छोड़ा नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद तीसरा धोखा CA NRC पर किया। पार्टी में तय हुआ था कि हम लोग CA NRC के विरोध में हैं, अब पार्लियामेंट में जाकर पार्टी ने मोदी के पक्ष में CA NRC के पक्ष में वोट किया और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा कीजिए। एक आदमी को कितना बार भरोसा किया जाएगा? एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, जीवन भर उसी में भरोसा करते रहे, ठगाते रहे। नीतीश पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने तीन तीन बार लोगों को ठगा है। उन्होंने कहा सबसे पहले 2015 में छोड़कर भागे, इसके बाद 2019 में 2 सांसदों वाले JDU को MP का 17 सीट दिलवाया और BJP को बिना लड़े 30 से घटाकर 17 कर दिया। उस समय पार्टी में हम दूसरे नंबर पर थे, तय हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद हम BJP का साथ छोड़ देंगे, लेकिन जब मोदी जीत कर आए तो नीतीश हमको ही समझाने लगे कि अभी मोदी की हवा लग रही है, BJP में कुछ दिनों और रुका जाए। यह दूसरा धोखा था। तीसरे धोखे के बारे में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तीसरा धोखा CA NRC को लेकर किया। पार्टी में तय किया गया कि हम लोग इसका विरोध में हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जाकर मोदी के पक्ष में यानी कि CA NRC के पक्ष में जाकर वोट कर दिए। प्रशांत किशोर ने इस दौरान जनता से पूछा कि आप ही लोग बताएं अब नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करें। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले कुछ महीनों से लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा हालात में उनका प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, मुख्यमंत्री बने रहने पर भी संकट मंडरा रहा है।